दोस्तों, अभी इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करें। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। 3x3 मैट्रिक्स का यहाँ पर हम एग्जांपल लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल आसान तरीका है। यहाँ पे डिटरमिनेंट को हम कुछ ऐसे लिखते हैं, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है। -5, 0। अब हम क्या करेंगे, अपनी फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में एक्सपांड करेंगे। देखिए, ये आपकी क्या कहलाती है, ये लाइनें रो कहलाती है, और ये जो लाइनें हैं ये आपके क्या कहलाती है, कॉलम कहलाती है। ठीक है, आप रो के रेस्पेक्ट में भी एक्सपांड कर सकते हैं और कॉलम के रेस्पेक्ट में भी एक्सपांड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आपको बस एक बार क्या समझना है, तरीका समझना, उसके बाद आपकी गाड़ी कहीं रुकने वाली नहीं है। देखिए, एक्सपांड करते समय हम चिन्हों को ध्यान में रखते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इन चिन्हों को याद कैसे रखेंगे, प्लस से शुरुआत करनी है, फिर आगे बदलते जाना चिन्ह, यानी प्लस से माइनस हो गया, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस। ओके, अब देखिए, हम फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में एक्सपांड करें तो हम इन चिन्हों को फॉलो करेंगे। इन चिन्हों को कैसे फॉलो किया जाता है, ध्यान से समझो। देखिए, फर्स्ट एलिमेंट के लिए यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे बाहर हम प्लस चिन्ह लेंगे। इसके साथ हम डिटरमिनेंट लेंगे। डिटरमिनेंट किसका लिया जाएगा, ध्यान से समझो। देखिए, ये किस में आ रहा है, आपके फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, और किस में आ रहा है, फर्स्ट रो में आ रहा है। फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो में आ रहा, तो इन दोनों को डिलीट कर दिया। बाकी बचे एलिमेंट कौन है, 2, -5, -1, 0। ओके, समझ आ गया। बीच में किसका, माइनस का चिन्ह लिया जाता है, तो ये आपका बीच का एलिमेंट है। देखो ध्यान से, ये खुद माइनस का है, तो इसको कोष्टक में ले लो। अब इसके साथ भी वही होगा जो कि इसके साथ हुआ, यानी जिस कॉलम में उसको डिलीट कर देंगे, जिस रो में उसको डिलीट कर देंगे। बचा कौन, 0, 3, -1, 0। लास्ट देखो कौन सा चिन्ह आपका, प्लस चिन्ह है, कौन बैठा है, -2 बैठा है, कोष्ठक में ले लो। अब क्या करना है, देखो इसको डिलीट, इसको डिलीट, तो 0, 3, 2, -5। अब आप जानते हैं कि ये क्या है, आपका 2x2 का डिटरमिनेंट है, ये भी 2x2 का डिटरमिनेंट है, ये भी 2x2 का डिटरमिनेंट है, तो आपको निकालना चुटकियों का खेल है। कैसे, हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इनका मल्टीप्लाई, तो -5, -1। यहाँ पर गणित में ध्यान रखिए एक बात, माइनस गुणा माइनस आपका प्लस होता है, और प्लस गुणा माइनस माइनस होता है। ओके, और प्लस गुणा प्लस तो आपका क्या होता है, प्लस ही होता है। यानी जब आपका समान चिन्ह का मल्टीप्लाई होता है प्लस, अलग अलग चिन्ह का मल्टीप्लाई होता है तो माइनस। ओके, तो यहाँ पे माइनस गुणा माइनस आपका क्या हो गया सर, प्लस हो गया। अंदर देखिए, इसका मल्टीप्लाई 0 आ गया, इनका मल्टीप्लाई -3 आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखो, माइनस प्लस आपका माइनस आ गया, इनका मल्टीप्लाई 0 का -5 के साथ 0 आ गया, माइनस इनका मल्टीप्लाई आपका। यहाँ पर देखो, इसका 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 आ गया। यहाँ माइनस गुणा माइनस आपका क्या हो गया, प्लस हो गया। 1 × 5 कितना आ गया, 5, यानी इसके जगह आपका कितना आ गया है, 5 आ गया। बाहर किसका चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो -5 आ गया। ओके, ऐसे समझना चाहिए। चिन्ह की आपकी यदि गलती हो रही तो उसको एज स्टेप बाई स्टेप समझो, जिससे कि चिन्ह की गलती ना हो। और चिन्ह की गलती दोस्तों सबसे बड़ी गलती मैं तो ये मानता हूँ। यहाँ माइनस गुणा माइनस क्या आ गया आपका, प्लस आ गया। ये -2 है और अंदर क्या है, -6 है। ये कितना आ गया सर, -10 आ गया। ये कितना है, 3 है। यहाँ माइनस माइनस आपका क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ये कितना हो गया सर आपका, 15, और ये -10 कितना आ गया, 5 आ गया। ओके, तो इस तरह से आपका तरीका रहता है डिटरमिनेंट फाइंड करने का 3x3 मैट्रिक्स का। ओके, तो वीडियो कैसा लगा ये तो कमेंट करके बताएंगे, तभी पता लगेगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।